लाइट्स मैं आपको वगैरह इस होंगी। बात की तारीफ करना चाहूंगी, ये अभी तक मैंने आपके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं, उनमें से ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैंने आपकी कंपनी की एक बहुत खासियत ये भी देखी है कि वो मिडिल क्लास के लिए बहुत मतलब इजीली उनको घर, खुद का घर, खुद की चीजें का एक जो सपना है वो पूरा करवाते हैं आप। बिल्कुल हो जाता है। और गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें। संजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पे लोन का क्या है प्रोसेस? 70-90%। ये मेट्रो रियल इंफ्रा का नया प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये 20 विला की गेटेड सोसाइटी है। इस सोसाइटी का नाम शिव रेजिडेंसी है, जो कि छठा मील से मुश्किल से 800 मीटर की दूरी पे है। हम सोसाइटी के अंदर आ गए और हमारे साथ हैं संजय जी। संजय जी इस को एक्सप्लेन करेंगे इस प्रॉपर्टी को। हेलो हेलो व्यूअर्स, पुराने लोग हैं, मेरे मिलना जुलना लगा हुआ है। नया घर, नई गाड़ी, नया रूप, नया ड्रीम, नया प्रोजेक्ट। आइए सबसे पहले इस घर की बात हम करते हैं। 1042 स्क्वायर फीट पे बना हुआ ये घर है, और सबसे पहले इसका पोर्च आता है। किसी भी अच्छे घर की स्टार्टिंग पोर्च से होती है। घर का मतलब ये 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए कम से कम, तो ये 1042 स्क्वायर फीट है। पोर्च में आई थिंक कोई भी लग्जूरियस गाड़ी खड़ी हो सकती है, खड़ी हो जाएगी। इसमें कोई साइज का इशू नहीं है। और इसमें हमने दो एंट्रेंस दिए, एक एंट्रेंस आप किए है पोर्च, और एक एंट्रेंस आप किए जो सीधे ड्राइंग रूम को जाती है। तो छोटी सी बालकनी है जिसमें आप प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, और अल्टीमेटली आप ड्राइंग रूम की तरफ आ जाते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम, सीरियसली बहुत प्यारा बना है। यस, बहुत अच्छा बना है। अगर आप कन्विंस हो तो वाकई में सब लोग कन्विंस होंगे ही होंगे। एंड दिस अ ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम। और जहां तक साइज का सवाल है, मैं आपको साइज भी इंडिकेट कर देता हूं, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। बाकी सारा कुछ वीडियो पे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ड्राइंग रूम का जो साइज है हमारा, वो आज की डेट में आ रहा है 9.10 × 15.1½। बहुत बढ़िया किया है, मन से बनाया गया, एग्जैक्टली राइट वर्ड वही था। और इसमें एंकर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, सेरा की बात फिटिंग है। मैं अगर इसको देखूं ऊपर या नीचे, कहीं पे भी, कहीं पे कोई कमी नहीं है, कोई पूरा प्रॉपर, बहुत प्यारा डेकोरेशन है। ये मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन के साथ साथ हमने डाइनिंग का एरिया दिया है। सो दिस इज डाइनिंग एज वेल एज योर किचन, ओपन किचन है। और ये लेटेस्ट स्टाइल के हम लोगों ने नॉब्स दिए हैं। जनरली आपने ऊपर की तरफ देखोगे, दीज आर चेंज नॉब्स, तो बड़ी प्लानिंग के साथ। हाँ जी, सनफ्लेम की चिमनी है और ब्लैक ग्रेनाइट पे इसका टॉप है, साथ में सेरा की बात फिटिंग है। दिस इज ऑल सेरा, दिस इज ऑल सेरा एंड वेरी गुड क्वालिटी। तो ये आपका ह्यूज साइज है, बहुत अच्छा साइज है। यस यस, ओपन किचन है। साइड में बेसिन और यूजुअल कॉमन टॉयलेट, वो आपका ओटीएस है। और ये एक कॉमन बाथरूम है, बाथरूम का भी साइज बहुत परफेक्ट है। हां एग्जैक्टली, बड़ा ही दिया है, जो इसको ड्रेसिंग ड्रेसिंग पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन पुट अ ड्रेसिंग आल्सो इन दिस। हां हां बिल्कुल, बहुत आराम से हो जाएगा। एंड दिस इज वन बेडरूम, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। और इसके साथ हम लोगों ने स्टोर या पूजा घर, व्हाटएवर यू वांट, इसको प्लान किया हुआ है। स्टोर या पूजा घर कुछ भी रख सकते हैं। स्टोरेज आएगा सही रहेगा, क्योंकि मंदिर बाहर जाए, बाहर भी बनाया जा सकता है, किचन की उधर की तरफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही हम लोगों ने वही प्लान किया है कि यहाँ पर आपकी फ्रिज आ जाएगी, डबल डोर की फ्रिज आ जाएगी, और यहाँ पर आप मंदिर प्लान कर सकते हो। यहाँ पे डाइनिंग के साथ, यस यस, कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल बीच में बहुत अमेजिंग लगता है, कोने का जमाना नहीं है, बीच में रखो, बहुत प्यारा लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारा सेकंड बेडरूम है, और इस बेडरूम के साथ साथ हमारे पास अटैच बाथ है, प्लस हमारे पास ओटीएस है, ओपन टू स्काई। ये बाथरूम ब्यूटीफुल बाथरूम, एंड दिस इज द ओपन टू स्काई वेयर यू कैन पुट द वॉशिंग मशीन एंड ऑल। तो वेंटिलेशन घर पे प्रॉपर है, अगर आप देखो ना नूपुर मैम, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है। Everywhere you get good space, good ventilation. This is plus minus POP. दोनों rooms में इधर पूरा plus minus POP. Ventilation का ख्याल रखा गया है, जगह windows भी proper दी गई हैं। हाँ हाँ, पूरी net windows हैं। Yeah, अब it's looking like a huge, huge house. बहुत सब कुछ, अगर a family of six भी है। Spacious भी है। हाँ, मतलब कहीं congested नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, हाँ। Exactly, exactly. अब हम चलते हैं ऊपर वाले bedroom की तरफ। नीचे के दो bedrooms आपने देख लिए हैं। Now we are going to the third bedroom. This is granite steps, और इसके साथ साथ stainless steel के बाद ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये फिर ventilation के लिए ये अच्छा लग रहा है ना। railing, beautiful railing, और steel, totally pure steel है। और सबसे अच्छी बात इसमें, इस घर में ये कि ये जो आप cast iron की molding देख रहे हैं, ये बड़ा important chapter है।
और बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें पॉट्स ऊपर लगे हो, और ये दिस इज वुडन पार्टीशन, दिस इज अ वुड पार्टीशन। इस घर में आई विल से कि आप लोगों ने इसे इंटीरियर में बहुत मेहनत की है, बहुत आपने बहुत प्यारा लुक दिया है इसकी। आप अगर यहाँ पे ये देखोगे ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और प्लस अगर आप इसकी लाइट देखोगे बिल्कुल जैसे पुराने जमाने में कैस्टल नहीं होते थे वो, exactly. उस तरीके का बिल्कुल। मतलब दिल से चीजें बनाई हैं, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है, अल्टीमेटली जो पैसा दे रहा है ही शुड एंजॉय दैट मनी आल्सो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड बेडरूम में आ जाते हैं। यू हैव सीन द टू बेडरूम साइज इज द सेम, और जनरली जो बेडरूम के साइज है वो 9.5 and a half into 13। इसका मतलब मास्टर बेड लगाने के बाद भी डोंट यू फील कि अगर बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। और उसके बाद एक बालकनी यहाँ भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। सी दिस ब्यूटीफुल बालकनी, वो कैसल की तरह ये देखिए छोटी सी बालकनी। हाँ यहाँ पे हैंगिंग प्लांट्स लगा दीजिए, कहीं बहुत कुछ हो जाए तो यू विल हैव अ ग्रेट लुक ऑन ऑल दिस। फिलहाल कोशिश यही करिए इस एरिया में, इनफैक्ट दूर दूर तक यू विल नॉट फाइंड अ हाउस लाइक दिस। ग्रीनरी बहुत है, और ये फिर टेरेस है आपका, ये टेरेस है पूरा। इसमें आप सेकंड फ्लोर तक थर्ड फ्लोर तक जा सकते हो आराम से। ग्राउंड हमने अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो आप यहाँ पे अपना बिल्डअप भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऊपर बिल्डअप कर लो या यहाँ पे बिल्डअप कर लो। रेंटल इनकम बहुत अच्छी है, रेंटल इनकम फर्स्ट डे से अराउंड 15,000 अ मंथ है। संजय जी इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल बताते हैं, ये एक्चुअली 20 विला का कंसेप्ट है जी, और हम लोग शुरू करते हैं 800 स्क्वायर फीट से। सबसे छोटा जो साइज है वो 800 है, उसके बाद 843 है जी। और उसके बाद 900 से स्टार्टिंग है, 900, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। okay. उसके बाद 1000 है, 1100, उसके बाद 1655 है। 20 विला का हमला गेटेड कॉलोनी है, गेट आपने देख ही लिया है जी। और यहीं से हम लोग एंटर करते हैं। ये 22 फीट की रोड है, ये 12 फीट की रोड है जिस पे आप हैं, इस पे प्लांटेशंस हैं, और ये जो वॉल है इस पे हम लोग स्कल्पचर्स लगाएंगे रामायण महाभारत वगैरह के। अच्छा हाँ हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा, इट विल लुक वेरी नाइस, बहुत सुंदर लगेगा। साथ में लाइट्स वगैरह होंगी। मैं आपको इस बात की तारीफ करना चाहूंगी, ये अभी तक मैंने आपके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हुए, उनमें से ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, बेस्ट। यस, और इसमें आपने जो इंटीरियर किया है और जो आपने इसको लुक देने की कोशिश की है वो बहुत ही अमेजिंग, लिटरली मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी आप अगर यहाँ से घर को देखिए, एब्सोल्युटली राइट, तो इट्स लुकिंग लाइक अ स्मॉल डायमंड, एक ये छोटा सा एक फेरी टेल वाला घर लग रहा है मुझे लिटरली। वो जो आपने उसकी लुक दी है ना बाहर का, वो छोटी सी बालकनी और वो वैसी उसकी लाइट्स हैं, एग्जैक्टली बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा कंस्ट्रक्शन पोर्शन है, उसमें हम लोग फाउंटेन लगा रहे हैं। अच्छा, ओके। एक फाउंटेन है जिसमें शिव जी की मूर्ति होगी और पानी ऊपर से बहेगा। अरे वाह, तो बहुत लुक वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका सबसे क्रीम प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, यस। और अभी सॉफ्ट लॉन्च है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आएं और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और इसकी पूरी जानकारी लीजिए, ये कहाँ पे है, क्या रेट्स हैं, क्या इसके लोन के बारे में। संजय जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पे लोन का क्या है प्रोसेस? 70-90% लोन में आराम से हो जाएगा, आसानी से कर। एक्चुअली लोन प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने आपकी कंपनी की एक बहुत खासियत ये भी देखी है कि वो मिडिल क्लास के लिए बहुत मतलब इजीली उनको घर, खुद का घर, खुद की चीजें का एक जो सपना है वो पूरा करवाते हैं आप लोग। बिल्कुल हो जाता, होपफुली होता रहेगा, बिल्कुल होगा। व्यूअर्स सब्सक्राइब करिए चैनल को, देखिए, और बराबर जो आपके पास नंबर है ना, अभी आपको बोला है नूपुर मैम ने भी, आराम से पूरा वीडियो देखिए, जल्दी मत करिए, फिर उसके बाद कॉल करिए, कॉल का वेट करिए, कहीं ना कहीं कॉल आंसर होगी, विजिट करिए और मैक्स टू मैक्स बुकिंग जल्दी कराइए। और गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, आप लोग ऐसे कॉल्स कर देते हैं उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम सारी जानकारी आपको दे देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्राइस रेट्स का जहाँ तक सवाल है, रेट्स पे मैं आ रहा हूँ, इसका रेट हम लोगों ने 5500 रुपीज पर स्क्वायर फीट रखा है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों। ऑलमोस्ट आप समझ लो अगर ये 1042 स्क्वायर फीट का घर है जी, तो ये 57,31,000 का है। ओके, और अभी सॉफ्ट लॉन्च है, होली के ऑफर्स हैं, सारी चीजें वीडियो पे नहीं बताएंगे, आप एकदम से कॉल करिए, आके विजिट करिए, ऑफर जो भी होगा
नुकुर मैम है, नेगोशिएबल होगा तो फिर जरूर आप इस चीज को, जरूर जरूर, त्योहार आ रहे हैं, होली का त्योहार है, अभी रमजान जो ऑफर है वो है। यस, हम लोग इसमें बहुत रिजिड नहीं है बिजनेस में, इलास्टिसिटी है, हम बिल्कुल आराम से ही कस्टमर को डील करेंगे, बट एटलीस्ट आके विजिट करें तो दे विल कम टू नो व्हाट है। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, देखें उसको तो आइडिया लगेगा। विद दिस व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम अपना दिया है, इसको प्रिस्क्राइब करिए, इनफैक्ट सब्सक्राइब करिए, राइट वर्ड ये है, और मैक्सिमम व्यूअर्स तक इसको पहुंचाइए, क्यों नुपुर मैम? बिल्कुल, सो दैट लोगों के ड्रीम्स पूरे हों। विद दैट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।